मैं फिर से एक बार आपका दोस्त अंकित आपके सामने। देखो भाई, टॉपिक ऐसा है कि आप लोगों को कभी भी कबूतर का कुछ भी बीमारी अगर हो गया, आपका कबूतर आपको नॉर्मल नहीं दिखता, तो आप सीधा जितने भी आपको इजी वे लगता है, जैसे आपको सबसे ज्यादा इजी वे लगता है यूट्यूब, तो आप सीधा यूट्यूब पे देखते हो कि ये बीमारी का इलाज क्या है, मेरा कबूतर ऐसा कर रहा है, इसका इलाज क्या है। अब प्रॉब्लम साला यही से चालू हो जाती है आपको। अब प्रॉब्लम इसी में से चालू होने के बावजूद ऐसा है कि आप बिना कुछ समझे आप 10 प्रकार के 20 प्रकार के जो वीडियो आप जो यूट्यूब पे देखते हो, उस टाइम में आपको दिमाग में हमेशा हर यूट्यूबर, जो भी यूट्यूबर है, उसका उद्देश्य एकमात्र होता है कि उसके जो वीडियो है भाई, उसके ऊपर में व्यूज ज्यादा आना चाहिए। तो बस उसका काम होता है वीडियो बनाना। वो ये नहीं देखेगा कि उसको, उस कबूतर को बाद में क्या इम्पैक्ट होने वाला है या उसको फिर बाद में क्या मुश्किल आने वाली है। और आप भी 10 वीडियो देख के वैसा ही ट्रीटमेंट करते हो और फिर उसके बाद में अपने दिमाग के साथ में खिलवाड़ होता है और आपका कबूतर जो है मर जाता है। मोस्ट प्रोबेबली यही तकलीफ हर वो कबूतर पालने वाले इंसान के साथ में हो रही है आज की तारीख। और मैं आपको बता दूं, इसी कारण से मैंने ये चैनल का शुरुआत किया था। मुझे लगभग बहुत साल हो चुके थे, मैं ऐसा उंगली पे गिन के नहीं बताऊंगा कि इतना आसान। और मेरे सब्सक्राइबर आपको खुद बता देंगे, अगर वो आज भी मेरा वीडियो देखते हैं तो, कि मेरे को एक्सपीरियंस है या नहीं है, मेरे ट्रीटमेंट से आराम होता है या नहीं होता है। तो आप ये अगर वीडियो देख रहे हो तो भाई घबराओ मत। अगर ऐसा कुछ अगर आपके कबूतरों के साथ में हुआ है तो आप मेरे चैनल का वीडियोस देखो, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं उसका। हाँ, मैं सिर्फ वही कबूतर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा जो कबूतर वायरस इन्फेक्टेड है, क्योंकि उसका बॉडी, उसका नेचर, दवा हर किसी को एक जैसा काम नहीं करेगा। लेकिन उसके बावजूद जितने भी ट्रीटमेंट है उसमें तो मैक्सिमम असर करता ही है। अभी कैसा हुआ, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मैंने फटाक से बोल दिया और चालू कर दिया, क्योंकि आप लोगों के पास में समय कम होता है, आपको लंबा वीडियो पसंद नहीं आता। यही गलती कर रहे हैं लोगों के, बहुत बेशकीमती कबूतर है जो है, वो नस्ल जो है बर्बाद हो रही है। और बहुत मायूस, हताश होके, पता नहीं कहाँ से बंदे को मेरा अभी नंबर आया, मैं सो उससे बात हुआ, उसने भी यही गलती किया। उसने अब गलती किया हुआ, देखो अब कोई भी कबूतर अगर आपका बीमार है तो एक साथ में सभी खुराके, एक साथ में सभी दवाई नहीं देना है। एक कुछ टाइम पीरियड के बाद में आप 2-3 घंटे के बाद में एक दवा दो, फिर 2-3 घंटे के बाद में आप दूसरी दो। आप क्या करते, एक साथ में सबको मिला के दे देते। अब उसमें आपका गलती क्या होता है, आप समझ लो एक एंटीबायोटिक पकड़ते हो, 5-6 मल्टीविटामिन पकड़ते हो, एक साथ में उसको दे देते हो। भैया इसमें गलती आपका है, अगर आपका कबूतर बगैर दवा से भी ठीक होने वाला है ना, तो आपकी दवा से वो मर जाएगा। अब बताओ, मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। पहले एंटीबायोटिक का कोर्स करो, फिर मल्टीविटामिन दो, या फिर सवेरे आप एंटीबायोटिक दे रहे हो तो आपको शाम के टाइम में मल्टीविटामिन देना। अब मल्टीविटामिन भी देना है तो 10 प्रकार की मल्टीविटामिन नहीं देना है, कोई भी अच्छा सा एक ही ब्रांड दो आप। यदि आप ये दिमाग में बैठा के हो कि मैं जितनी ज्यादा मल्टीविटामिन दूंगा, जितना ज्यादा मेडिसिन दूंगा, उतना आपका कबूतर जो है जल्दी रिकवर होगा, तो ये भी गलत है। सबसे पहले तो एक की आप ध्यान में रखो, अगर आपका कबूतर बीमारी में आता है, कभी भी कुछ होता है, तो सबसे पहले आप उसको टेम्परेचर मेंटेन करके रखो। जो पोल्ट्री के अंदर में बल्ब यूज करते हैं, उससे आप रूम का टेम्परेचर जो है थोड़ा सा वार्म बना के रखो, मतलब थोड़ा सा हीट साइड में ज्यादा बना के रखो है। उसके बाद में आप उसको जितना लाइट हो सकता है उतना लाइट फूड दो खाने के लिए। उसके बाद में आप उसको कोई भी एंटीबायोटिक दो, लेकिन एक ही प्रकार का एंटीबायोटिक दो। और मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, लिक्सन नाम का जो एंटीबायोटिक होता है जिसमें सेफेमैक्सिन कंटेंट होता है, ये एंटीबायोटिक को यूज करने से पहले इसके बारे में जो पीछे में लिखा हुआ है, पर ग्राम बॉडी वेट, वही हिसाब से देना है। आपको लगता है मैं इतना सा पाउडर दे रहा हूँ, भैया इतना सा पाउडर अक्का 5 किलो के लिए होता है एनिमल के लिए। आप इतना सा पाउडर जो है 250 ग्राम कबूतर के लिए दे रहे हो, या 200 या 300 कबूतर के ग्राम के हिसाब से आप उसको दो, 300 कबूतर के ग्राम के हिसाब से, बॉडी वेट के हिसाब से आप उसको मेडिसिन दो। अगर आप उसको कहीं पे भी ज्यादा यूज कर रहे हो तो आप कबूतर को खोखला बना दोगे अंदर से, और आपके कबूतर सिर्फ वो मेडिसिन यूज करते टाइम में ही रहेगा, उसके बाद में आपका कबूतर जो है भाई पूरा खोखला हो जाएगा।
तो ऐसी गलती आप ना करो। मेरा हाथ जोड़ के आप लोगों का विनती है, मेरे बाकी के वीडियोस है चैनल पे, जाओ देखो समझो, और समझ के अगर नहीं समझ रहा है तो जितना समझता है भैया उतना ही ट्रीटमेंट करो, ज्यादा का कुछ मत करो। अब ज्यादा का मतलब क्या हो गया, आप उसको बोलोगे भैया न्यूरोबिन फोर्ड भी मैं उसको दे देता हूँ, ईवीएन का कैप्सूल भी मैं उसको दे देता हूँ, फिश ऑयल का भी मैं आपको कैप्सूल दे देता हूँ, तो मेरा कबूतर जल्दी ठीक हो जाएगा। ऐसा होता है क्या भाई? ऐसा होता तो आप भी अगर बीमार पड़ते हो, आपके बच्चे भी घर में बीमार पड़ते हैं, तो एंटीबायोटिक के साथ में वो आपको 5-6 मल्टीविटामिन लिख देगा। कभी भी डॉक्टर ऐसा करता है बच्चों के साथ में? कभी ऐसा नहीं करता। पहले एंटीबायोटिक लिखेगा, बाद में 7-8 दिन के बाद में बुलाएगा, बच्चा कमजोर हो चुका है तब मल्टीविटामिन लिख के देगा। तो यही चीज आपको करना है, सेम थिंग तो है। एक साथ में आप 10 दवा दोगे, अरे उसका बॉडी एक तो पहले से ही कमजोर है, इतनी सारी चीजें उसका लीवर डाइजेस्ट कर पाएगा क्या? और लीवर डाइजेस्ट करने के बाद में उसके बॉडी के ऊपर में इम्पैक्ट जाता है वो चीज का, एंटीबायोटिक का हो या मल्टीविटामिन का हो, कोई भी चीज का हो। आपका गलत यही पे हो रहा है कि आप 10 वीडियो देख रहे हो, 10 वीडियो देख के आप पहले डिस्टर्ब हो जाते हो, फिर 10 आदमियों को पूछते हो, आपको 10 अलग अलग टाइप का ट्रीटमेंट बताता है, उसमें आप डिस्टर्ब हो जाते हो। कोई भी एक्सपीरियंस होल्डर को पकड़ो आप वीडियो, मैं ऐसा कभी नहीं बोलूंगा कि सिर्फ मेरा ही आप वीडियो पकड़ो, कोई भी एक एक्सपीरियंस होल्डर का आप वीडियो पकड़ो और वो हिसाब से आप ट्रीटमेंट करो। तो यदि वो बंदे ने ये वीडियो भेजा तो मैं उस ये वीडियो के स्टार्टिंग में उसका वीडियो लगा दूंगा, या फिर ये वीडियो के एंडिंग में वीडियो लगा दूंगा। तो ये गलती आप लोगों से भी नहीं होनी चाहिए, ध्यान में रखना। अब ये बातें बताते टाइम में भी मैंने 2-4 कीवर्ड जो बताया था वो भी आपने ध्यान में रखना, कि आपके कबूतर जब भी बीमार होता है उसको हॉट वेदर देना है, आपको टेम्परेचर मेंटेन बना के रखना है, पोल्ट्री में जो बल्स यूज करते हैं उससे बहुत जल्दी रिकवर होता है, ये बात भी ध्यान में रखना, ठीक है? तो चलो दोस्तों यहीं पे हम लोग एक छोटा सा वीडियो एंड करते हैं। जय हिंद। इतने कबूतर हैं, लकवे और झोले में आए हैं, साथ में छोटा बेबी भी है, और ये इनका इलाज 15-20 दिन हो चुके हैं। मैंने हर तरह का इलाज करा और आज आपको बताया हुआ ऑक्सीटेटर साइक्लिन इनको इंजेक्ट किया है मैंने। दवाई इतनी ज़्यादा दे दी, समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए क्या नहीं करें। और सूर्य देवता तो बिल्कुल दूर दूर तक नहीं है, आसमान में धुन है, आसमान बहुत